प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाली ममता दीदी को प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून का पाठ पढ़ाया है। पीएम मोदी ने इस कानून को लेकर चलाए जा रहे अफवाहों का खुलासा किया है। पीएम मोदी ने किस तरह लगाई विपक्ष की लताड़, देखिए इस रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन कानून पर अफवाह फैलाकर विपक्ष के नेता देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन करने की वजह बता पाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। मुस्लिमों को इस कानून का डर दिखाने के पहले इन्हें इसकी बारीकियों को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के घर में जाकर उन्हें चुनौती दी है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि किसी की नागरिकता को वापस लेने के लिए। ममता बनर्जी सहित विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये कानून रातों रात नहीं लाया गया है, इसके लिए काफी समय तक विचार किया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे जानबूझकर समझना नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि इस कानून के बन जाने से अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि उसके अल्पसंख्यकों के ऊपर जुर्म क्यों किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर युवाओं में बड़ी चर्चा है। बहुत से सवाल युवाओं के मन में भर दिए गए हैं। बहुत से युवा अफवाहों के शिकार हुए हैं। ऐसे युवाओं को समझाना और संतुष्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरे देश का कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता ले सकता है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। नागरिकता संशोधन कानून केवल पहले से मौजूद कानून में केवल एक संशोधन है। इसमें बंटवारे की वजह से जिन लोगों को संकटों का सामना करना पड़ा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के दिग्गज नेताओं का भी यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर धर्म की वजह से अत्याचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को आईना दिखा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, नॉर्थ ईस्ट हमारा गर्व है और वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, जनसंख्या पर इस कानून का कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। इतनी स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। आज के युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम दूर कर रहा है। और तो और, पाकिस्तान में जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज युवा ही उठा रहा है। अगर ये विवाद नहीं उठता तो पता ही नहीं चलता कि किस तरह से पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार हुआ। अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुर्म क्यों किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल गए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और उनसे सीएए और एनआरसी पर बात की, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें दो टुक कह दिया है कि इसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दूसरे कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीए विरोधी बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने इस कानून की सच्चाई लोगों के सामने रख दी। नागरिकता संशोधन कानून पर पीएम मोदी ने विपक्ष का मकसद सामने रख दिया है। इस कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की बात करके प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस को आईना दिखा दिया है, क्योंकि ये कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।